Hello viewers, welcome to my channel. In this video I am going to explain Chapter 6 Exercise 6.5 Class 10 Question number 1st to 4. Question number 1 first is given that sides of triangles are given below. Determine which of them are right triangles. In case of a right triangle, write the length of its hypotenuse. यहाँ पे कुछ कंडीशंस गिवेन है, मतलब हमें मेजरमेंट गिवेन है, चार पार्ट में यानी फोर क्वेश्चंस है इसके, और बोल रहा है कि किस कंडीशन में एक ट्राइंगल जो है अगर इस ये मेजरमेंट हो तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, अगर होंगे तो उनकी हाइपोटेन्यूज की मेजरमेंट क्या होगी। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट विच इज गिवेन, एक है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होता है वो हैपेटोनस का होता है। दैट्स वाई यहाँ पे हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि 25 जो है वो हैपेटोनस का साइड है। देन तो हैपेटोनस इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ओके। एंड इनका हम अगर ये जो फार्मूला है हमें जो फाइंड करनी है किसके अकॉर्डिंग करना है, इट मीन्स क्या करना है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हैपेटोनस का स्क्वायर हम करें तो आ जाएगा 625 सेंटीमीटर, ओके। अगर इन दोनों का हम फाइंड करेंगे, अगर और इन दोनों का स्क्वायर का एडिशन और ये दोनों अगर सेम आ जाता है तो इट मीन्स क्या होगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये हो गया, दूसरा हो गया ए बी का स्क्वायर एंड प्लस में बी सी का स्क्वायर विच इज 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 एंड प्लस 24 576 में 49 को ऐड करें तो आ जाएगा 5, ये आ गए 625। तो ये क्या होगा, यानी कि 25 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस में 576 का, सॉरी सॉरी 24 का स्क्वायर, 20 स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस में 576 और 6 इक्वल टू 600। ये दोनों इक्वल है, दैट्स व्हाई ये क्या है हमारा, इससे हम ये इस मेजरमेंट से राइट एंगल ट्राइंगल बन सकते हैं। तो इट कैन बी। सेकंड चलते हैं। सिमिलरली लॉन्गेस्ट साइड विच इज 8 सेंटीमीटर और ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर एंड ए सी इक्वल टू हमारा यहाँ पे आ गया 8 एंड देन ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर विच इज 60। अनदर साइड ए बी का स्क्वायर प्लस, अच्छा चलो आगे अलग अलग से मैं निकाल लूँ, फिर ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दैन ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर विच इज 36। नेक्स्ट विच इज बी सी, वो हो गया आपका 3 सेंटीमीटर दैन बी सी का स्क्वायर हो जाएगा 3 स्क्वायर। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो कितना आता है, 6 प्लस 9 15 5 ये 45 आया, ये नहीं बन सकता है। तो ये गिवन मेजरमेंट इज not sufficient, okay।
sufficient to make a right angled triangle. Next, which is third part. यहाँ पे भी देख रहे हैं 100 सेंटीमीटर मैक्सिमम है, तो AC इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देन AC का स्क्वायर इक्वल टू 100 का स्क्वायर, तो ये आ जाएंगे 10,000 सेंटीमीटर। AB कुछ भी ले सकते हैं इन दोनों में से, तो AB इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, देन AB का स्क्वायर इक्वल टू 80 का स्क्वायर विच इज 64 एंड डबल जीरो सेंटीमीटर, एंड BC इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, देन BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर, 5 5 25। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 0 0 9 and 8, वो सफिशियंट नहीं है, दिस इज नॉट सफिशियंट, दिस इज नॉट सफिशियंट। ओके, फोर्थ पार्ट विच इज लास्ट पार्ट। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं कि लॉन्गेस्ट साइड ये, ओके देन यहीं पे सॉल्यूशन मैं लिख दूँ, AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, AC स्क्वायर इक्वल टू 13 का मे बी 169 सेंटीमीटर, एंड AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन AB का स्क्वायर इक्वल टू 144 सेंटीमीटर, एंड BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC का स्क्वायर इक्वल टू 5 5 25 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना, यहाँ पे ऐड कर दें तो आ जाएगा 9 6 and 1। ये हमारा इस मेजरमेंट से ये बन सकता है, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, सॉरी पहले लिख दूँ, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ये आ गया 169 इक्वल टू 144 प्लस में 25, 169 इक्वल टू 169, LHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS, दोनों इक्वल आ गए, इससे क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है। क्वेश्चन नंबर टू, विच इज गिवेन पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल एट पी, पी क्यू आर क्या है, एक ट्राइंगल है और राइट एंगल जो है वो पी पे है, एंड एम, सॉरी ये एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, क्यू आर पे एम पॉइंट है, सच दैट पी एम, पी एम स्टैंड ऑन क्यू, कि ये पी एम जो है वो इसके ऊपर स्टैंड है, दैट्स वाई इनकी एंगल जो है वो 90 डिग्री की, सो दैट पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम, क्यू एम मल्टीपल एम आर, पी पी एम का स्क्वायर के बराबर इन दोनों का मल्टीपल। ओके, वी कैन से दैट, कि हम कह सकते हैं कि पी एम मल्टीपल पी एम इक्वल टू क्यू एम मल्टीपल एम आर, वी कैन से दैट। अब इनको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना होगा, और सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ फाइंड करना है, तो वो हम पहले फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंगल 3 और 4 को मिला करके क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। अब दूसरे साइड देख रहे हैं कि एंगल ये वाली और ये वाली तीनों मिला करके क्या बन रहा है, ट्राइंगल बना रहा है, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लिया हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, देखते हैं एंगल 2 जो है वो 90 डिग्री,
then 90 degree plus my angle 4 plus angle 5 equal to 180 degree. Then angle 4 plus angle 5 equal to 180 degree minus 90 degree. Angle 4 plus angle 5 equal to 90 degree. This is angle equation 2. अब यहाँ पे लिखें, अब देख रहे हैं कि इसके भी बराबर 90 डिग्री है, 90 डिग्री इन दोनों के बराबर, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5. अब ये भी 4 है, ये भी कट गया, या गया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5. हमें इस एंगल को इक्वल करने के लिए इतना सॉल्यूशन करना पड़ा. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे, ये दोनों छोटी वाली ट्राइंगल को लेंगे. देन इन ट्राइंगल पी एम क्यू एंड ट्राइंगल दूसरा हो गया आपका पी एम आर. एंगल अब यहाँ पे देखते हैं, ये वाली एंगल इसमें और इसका ये वाली एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है, 90 डिग्री है. तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बोथ आर 90 डिग्री. और 3 प्लस 5 ऑलरेडी अब अप्रूव्ड, 3 इक्वल टू 5. ओके, अगर ये दोनों इक्वल हैं और दूसरा और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एंगल 4. एंगल 4 इक्वल टू, वो तो खैर ए से हम सिमिलरिटी प्रूव कर देते हैं बाद में, तो एंगल दोनों सेम, ये लास्ट वाली एंगल भी सेम हो जाती है. तो एंगल ट्राइंगल पी एम क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल पी एम आर बाई ए क्राइटेरिया से. तो वी कैन से दैट अगर ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं तो हम कह सकते हैं कि ये आर पी जो है, आर पी साइड वो पी क्यू साइड के बराबर है. आर पी अपॉन इन दोनों का रेशियो पी क्यू इक्वल टू पी एम अपॉन में क्यू एम, पी एम अपॉन में क्यू एम एंड नेक्स्ट आर एम अपॉन में पी एम. तो यहाँ पे मैंने ये वाली ट्राइंगल आपको अच्छा ये चीज मैं क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ साइड में आप शायद कंफ्यूज ना हो जाओ. दैट्स व्हाई सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि एंगल, ये जो हमारा ट्राइंगल है, ये हमने जो ट्राइंगल लिया है इनको अरेंज कर देते हैं. तो अरेंज करने के लिए 1 इक्वल टू 2, बोथ 90 डिग्री है. तो 1 एंगल 1 कौन सा है हमारा, M है, और इसके भी M है, दूसरे वाली के भी M है. ओके, नेक्स्ट विच इज 3 कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, ये है आपका P और 3 के बराबर 5, इसका Q है, ये हो गया P और यहाँ पे हम Q लिखेंगे, बाकी का बच गया, इसका R बच गया और दूसरे साइड का P बच गया. अब ये आ गए, अब तो कंफ्यूजन खत्म हो गई. तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे आर पी, अब जैसे है वैसे लिख देंगे, पी क्यू इक्वल टू पी एम अपॉन क्यू एम इक्वल टू आर एम अपॉन में. बट हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो इन दोनों से फुलफिल होगी, पी एम अपॉन में क्यू एम. हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा जो प्रूफ करना है उसमें एम आर की रिक्वायरमेंट है, पी एम की रिक्वायरमेंट है, क्यू एम की रिक्वायरमेंट है, एम आर की रिक्वायरमेंट है. एम आर बोलो या फिर आर एम बोलो, एक ही बात है. क्यू एम इक्वल टू एम आर अपॉन में पी एम. अब इन दोनों को सबको क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तो ये पी एम मल्टीपल पी एम, तो हम भी कहना सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं एंड दूसरे साइड हो जाएगा. हाँ, ए एम आर लिखो या तो पहले क्यू एम लिखो, कुछ भी, क्यू एम मल्टीपल
के ही हमें प्रूफ करने को लिखा के लिए कहा गया था। थर्ड क्वेश्चन विच इज गिवेन इन फिगर ए बी डी। ए बी डी एक फिगर दिया हुआ है और ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट ए, ए पे ये क्या है राइट एंगल्ड है एंड ए सी, ए सी जो है ये ए सी वो स्टैंड है बी डी के ऊपर। ओके सो दैट इसमें तीन पार्ट में हमें क्वेश्चन गिवेन है कि सो करना है कि ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर जो है वो बी सी मल्टीपल, बी सी मल्टीपल बी डी के बराबर। तो टू हमें प्रूफ करना है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लेंगे ये दोनों ट्राइंगल, लेंगे दो ट्राइंगल लेकर के हम सबसे पहले उसे क्या करेंगे कि सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो ए बी सी एक ट्राइंगल हो गया हमारा, ए बी सी ए छोटे वाले और दूसरा ट्राइंगल जो हम लेंगे वो है हमारा ए बी डी। ये बड़ी वाली ट्राइंगल, ये छोटी वाली ट्राइंगल और ये बड़ी वाली, इन दोनों ट्राइंगल को यहाँ रीजन क्या है लेने का वो भी मैं बता देती हूँ। रीजन जो हमें प्रूफ करना है तो ए ए बी इसे छोड़ दो है ना, इस पार्ट को छोड़ दो, बी सी किस में आ रहा है, कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, तो बी सी हमें इस छोटे वाले ट्राइंगल में, तो हमने इस छोटे वाले ट्राइंगल को लिया। बी डी किस में आ रहा है, तो इस बड़े वाले ट्राइंगल में आ रहा है। तो ये देख करके आप सोल्यूशन करोगे, ऐसे नहीं फिर बच्चे को पता ही नहीं चलेगा। तो कंडीशन जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ हिंट्स क्वेश्चन में श्योर गिवेन होते हैं, आप उस हिंट पे ध्यान दो। जैसे बी सी है हमें ट्राइंगल लेने के लिए, तो बी सी हमें छोटे वाले ट्राइंगल यानी इस ट्राइंगल को लेंगे और बी डी जो है वो बड़े वाले ट्राइंगल में, तो इन दोनों ट्राइंगल को लेकर के काम करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों ट्राइंगल में देख लो, ये दोनों ट्राइंगल में अब यहाँ पे देखो, इसका बड़े वाले ट्राइंगल का ए पे क्या है 90 डिग्री और छोटे वाले ट्राइंगल के सी पे क्या है 90 डिग्री। वी कैन से दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ये क्या है दोनों 90 डिग्री। और एक चीज और क्या है कि ये बी एंगल जो है वो दोनों में कॉमन है, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी। We can see that therefore triangle ABD similar to triangle ABC by AA similarity. AA similarity से क्या हो गए, ये दोनों triangle similar। अब similar हो गए तो उसके बाद हमने तो ऐसे सीधा सीधे लिख लिया, but इनके side के corresponding लेने के लिए हमें एक्चुअल जो ट्राइंगल का नाम जो है वो उसे अरेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि अब दोनों का 90 डिग्री ए ए पे है, तो सबसे पहले हम वो लिख दें ए और एक का सी, यानी मैंने इसका ए और इसकी सी यहाँ लिख दें ए, ओके और यहाँ पे सी। दूसरा जो है वो है हमारा बी, जो हम देख रहे हैं कि बी जो है इन दोनों में, इस बड़े वाले में ट्राइंगल में और इस छोटे वाले ट्राइंगल में, दोनों में क्या है बी कॉमन है, दैट्स व्हाई यहाँ पे हम बी लिखते हैं। और तीसरा जो है वो जो बच गया उसे हम लिखते हैं, कौन सा बचा भाई, तो बी ए बी ए हो गया, इसमें डी बचा, इसमें बी सी हो गया, इसमें ए बचा, तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल कंग्रुएंट, ओके सॉरी सिमिलर। अब हम अरेंज कर लेंगे आसानी से, ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल डी बी ए, इट मीन्स क्या हो जाएगा बी डी अपॉन में ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी इक्वल टू ए डी अपॉन में ए सी, ये तीनों ये सारे आ गए। और आगे हम तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है हम यहाँ पे देखते हैं, यानी जिसमें दो बार दोनों जिस दो में बी आ ए बी आया
तो ये हम देख रहे हैं कि इन दोनों में ए बी आ रहा है, तो हम इन्हीं दोनों को लेकर के काम कर रहे हैं। बी डी अपॉन में ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी, इस बात का ध्यान देना। सारा कुछ हम देखें हिंट्स कहाँ से ले रहे हैं, तो क्वेश्चन में गिवन है उसी से ले रहे हैं। अब दोनों को क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, देन ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया हमारा, बी सी मल्टीपल बी डी, और यही हमें प्रूफ करना था। हेंस अब सेकेंड पार्ट ए सी, अब सेम चीज हम देखेंगे, है ना। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख दूं तो प्रूफ क्या करना है, हमें जो प्रूफ करना है वो है ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी मल्टीपल डी सी। अब ये बी सी किस में आ रहा है, ये वाली पार्ट किस में आ रहा है, बी सी ये आ रहा है इसमें, और डी सी डी सी इसमें, यानी ये दोनों छोटे वाले ट्राइंगल को लेकर के हमें काम करना है। इन ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा हो जाएगा ए सी डी, एंड ए सी डी ट्राइंगल ए सी डी, ओके। अब इन दोनों में क्या क्या चीज हम कैसे कैसे क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कुछ पॉइंट्स एक दूसरे को दे करके, यानी कि नेमिंग करके हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ एक चीज़ तो मिल रहा है कि ये इसमें भी 90 डिग्री है और इसमें भी 90 डिग्री है, तो क्यों ना हम ये इसको वन नाम दे दें और इसको टू दे दें, दैट एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, ये दोनों क्या है 90 डिग्री। अब हम देख रहे हैं क्या कि फिर अब हमें कुछ फाइंड करना पड़ेगा, तो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम सॉल्यूशन करते हैं तब आगे का पार्ट करते हैं। तो एंगल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो एंगल ये वाली है ना, ये दोनों जो है ना, ये दोनों थ्री एंड फोर तो एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। इन दोनों को प्लस करने पे क्या आ रहा है 90 डिग्री, और इसे हम एक इक्वेशन बना रहे हैं। अब देख रहे हैं कि अब हम आगे और भी इस एंगल को हम एंगल 5 बनाते, तो 3 2 और 5 को जब हम प्लस करते हैं तो क्या आ जाता है, एंगल 3 प्लस एंगल प्लस 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ओके। देन एंगल 2 जो है वो क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस में एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल 3 प्लस एंगल एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, देन एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया हमारा। अब इसके आगे मैं दो पार्ट में बांट देती हूँ क्योंकि स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि या हम इन दोनों से ले अगर, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसके भी वैल्यू 90 है और इसके भी वैल्यू 90 है, तो वी कैन से दैट कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 5, ये दोनों कैंसिल हो गए तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 बचे। तो ये जो हमने समा बांधा इतना सिर्फ इसके लिए कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल, यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रूफ किया, चलो आगे लिख देती हूँ यहाँ पे क्यों लिखूँ, तो देयर फोर हाँ ये आ गया एंगल 4 पर 5 तो यहाँ पे है ही, देयर फोर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू
triangle ACD by A criteria. यहां देख रहे हैं 1 और 2 इक्वल है, यहां लिख दे हम एंगल C और इधर भी लिख दे एंगल C. ओके, और क्या इक्वल है हमारा, ये दोनों सॉरी ये वाली भी, ये वाली एंगल, ये दोनों एंगल यानी एंगल 4 एंड एंगल 5, जो कि एक साइड में एंगल 4 जो है वो एंगल 4 है ना, इसमें आ गया आपका एंगल A, एक साइड में आ गया A, एक साइड में आ गए A और दूसरी साइड में आ गई D. ओके, एंड बच गया क्या, तो दोनों साइड बच गए, एक साइड बच गए A और दूसरी साइड बच गए D. ये रहा ट्रायंगल. ओके, अब आसानी से लिख देंगे हम ए बी अपॉन में ए बी, हमें उल्टा करना पड़ेगा, ट्राइंगल बी ए सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि मैंने इधर जो है ना इस साइड में उल्टा लिखा है, तो वी कैन से दैट बी ए, या तो ए बी लिखते हैं, ए बी अपॉन में ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन में सी डी इक्वल टू बी सी अपॉन में ए सी. हमारी जो रिक्वायरमेंट है हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे है ना, हमें जो प्रूफ करना है यानी ए सी जिस दो में ए सी हो तो इन दोनों में देख रहे हैं कि ए सी आ रहा है, तो हम इनको लेंगे ए सी अपॉन में सी डी इक्वल टू बी सी अपॉन में ए सी. ए सी हमें इसका स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है और बी सी और डी सी इसमें आ रहा है, बी सी और डी सी इसमें जो कि नहीं है. ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी मल्टीपल सी, और यही हमें प्रूफ करना था. थर्ड पार्ट को देखते हैं, थर्ड पार्ट में हमें ए डी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी मल्टीपल सी डी. अब हम देखेंगे बी डी किस में आ रहा है, तो बी डी ये बड़े वाले ट्राइंगल में, और सी डी किस में आ रहा है, तो ये वाली छोटी वाली ट्राइंगल में, ये छोटी वाली ट्रायंगल और ये बड़ी वाली ट्रायंगल, इन दोनों को लेकर के करना है. इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, अब इन दोनों में देख रहे हैं कि ये एंगल 5 जो है वो कॉमन है, तो एंगल डी भी लिख सकते हैं, एंगल डी इक्वल टू एंगल डी, ये हो गया हमारा कॉमन. और दूसरी चीज हाँ ये है एंगल ए इक्वल टू एंगल यानी एंगल टू इक्वल टू एंगल ए, ये दोनों 90 डिग्री, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी डी बाई ए ए सिमिलरिटी. आपने कुछ ध्यान दिया यहाँ पे, जितने भी मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ तो कुछ ध्यान दिए हो बेटा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए ए क्राइटेरिया जो है वो मोस्टली यूज होते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन में, मतलब अगर मे बी अगर आप 100 क्वेश्चन करते हो तो मे बी 70 क्वेश्चन में ए ए क्राइटेरिया ही यूज होती है. ये मैं इसीलिए बताई हूँ कि ए ए जो क्राइटेरिया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, उसे प्लीज़ ध्यान से उसकी जो मैंने उसका प्रूफ किया है सिमिलरिटी को प्रूफ करने के लिए जो मैंने थ्योरम यूज़ किया है उस थ्योरम को प्लीज़ ध्यान से देखोगे. ये हो गया सिमिलर, अब यहाँ तक तो ठीक है कि ये दोनों सिमिलर हो गए, उसके बाद हमें करना क्या है, ट्रायंगल को अरेंज कर लें. ओके, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो 20 डिग्री किसके किसके ऊपर है, तो एक का है सी पे यानी टू का जो है वो सी है, छोटी वाली साइड में है आपका दिस इज सी, और एक दूसरे साइड में जो है वो ए के पास है, डी हमारा कॉमन है तो दो बोथ साइड हम डी लिख लेंगे, यहाँ पे बचा क्या
इसमें जो बचा ए हो गया, डी हो गया, इसमें बी बचा, और दूसरे में सी और डी हो गया, ये अरेंज हो गए। अब हम इनके साइड का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखते हैं, तो बी डी अपॉन में ए डी इक्वल टू ए डी अपॉन में सी डी इक्वल टू ए बी अपॉन में ए सी। हमारी रिक्वायरमेंट किस में है, जिसमें कि दो में ए डी आ रहा होगा, तो ये वाली रिक्वायरमेंट है, और बी डी भी आ रहा है, सी डी भी आ रहा है, देन बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू ए डी अपॉन में सी डी। अब इसे क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा ए डी, हमारी रिक्वायरमेंट हम इसको पहले मल्टीपल कर दिए थे ए डी स्क्वायर, एंड दूसरे साइड में हमारा क्या आ रहा है कि बी डी मल्टीपल में सी, और यही हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया। क्वेश्चन नंबर 4 विच इज गिवेन ए बी सी इज अ इज एट एसेसलिस ट्राइंगल। ABC जो है वो एक आइसोसेलिस ट्राइंगल, आइसोसेलिस ट्राइंगल के दो साइड इक्वल होते हैं, ओके, राइट एंगल्ड एट C, ये इस पे C पे राइट एंगल्ड है। हमें प्रूफ करना है कि AB का स्क्वायर, ये AB का जो है AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है टू प्रूफ पे। गिवन पार्ट जो है वो हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि एक आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये यहाँ पे एंगल सी जो है वो 90 डिग्री, और ए सी साइड ए सी जो है वो बी सी के बराबर है, ऐसा सीरीज है, इट मीन्स दिस इज गिवन, तो हमने गिवन में इस चीज़ को क्लियर कर दिया। अब हम प्रूफ करना है, क्योंकि ये हमें जो फार्मूला वो दिख रहा है वो पाइथागोरस फार्मूला, तो बाय AB इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर, ओके, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये होनी चाहिए, देन AB का स्क्वायर इक्वल टू, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ओके, हम इसके इसे एक इक्वेशन बना देते हैं, ओके, तो AC का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर, और यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 कि 1 में हमने देखा कि AC और BC दोनों इक्वल है, तो वी कैन राइट लाइक दिस, ओके, देयरफॉर AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर। ये सबसे मतलब मेन मुझे लगता है कि इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन है, हेंस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें।